personally feel that, you know, everybody sitting over here knows it for a fact, that you are perhaps, as far as acting is concerned, there is barely anyone who can beat you at that. So, you know, given the fact that it is a fact, now given this fact, to a certain extent, do you feel that it is, to a certain extent, very necessary for you to get justified in front of, you know, in front of the media, in front of everyone for that matter, the other actors in the Bollywood industry? Is it very necessary for you to be, if I'm wrong, nobody, if I'm right, nobody should call me wrong. I know it for myself that I'm right. Is it necessary for you to kind of have the justification for that matter? Well, to be honest, I think your work is a reflection of your inner world. I do feel that all the love that I have is maybe, no matter how media perceives me or film industry treats me, but I'm so loved by people. Essentially, that's what matters. But my family feels that it's very harsh. Sometimes the news gets very harsh, so they feel the need of, you know, wanting to post things and pictures. And even when I'm in my personal space, she's always posting my pictures, and I'm like, what is this? I don't feel the need, but my family feels that it's important. Hi, Richa. Hi. He already... sir, ki hala thada? Thik. Mujhe bahut maza aaya, kyunki humne ek naya sport sikha, aur uske liye kaafi training ki, aur mujhe man tha, अश्विनी मैम के साथ काम करने का. उन्होंने बहुत कम अरसे में अपना एक स्टाइल इस्टेब्लिश किया है जो कि बहुत रिस्पेक्टेड है. और उसके अलावा इस वक्त स्टेज पे जितने लोग बैठे हैं, मैं उनकी बतौर आर्टिस्ट बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. तो मुझे लगा इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहिए. और हालांकि इसमें लीड कंगना है, और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि वो ऑलरेडी हैं लीड में तो तुम यूँ क्यों करी हो. मुझे लगा ये कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है. थैंक यू. हाई, दीपक या फ्रॉम फिल्मी फेम. मेरा सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टीम पंगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. आप ये टीम देख के लग रहा है कि फिल्म पंगा लेगी बाकी फिल्मों से. मेरा सवाल कंगना जी आपसे है इस आपके किरदार के बारे में, कि सबसे पहले तो आपने इसमें एक माँ का किरदार किया है. आई थिंक आप दूसरी बार एक माँ का किरदार ना फिल्म में प्ले कर रही हैं. और जो खेल कबड्डी है, जो एक जमाने में वैनिश हो चुका था, जो वापस आ रहे, तो क्या इंटरेस्टिंग पार्ट था आपको इस कैरेक्टर को चुनने के लिए? आई थिंक एक तो मदर होती हैं, यंग मदर, और आजकल जो कंटेम्प्रेरी कपल्स हैं उनकी लाइफ कितनी डिफरेंट है पहले की लाइफ से. और खासकर जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, जॉइंट फैमिलीज में मदर्स को और भी ज़्यादा सपोर्ट होती थी, अब उतना भी सपोर्ट नहीं रहा. तो आई पर्सनली फील दैट इट्स वेरी क्लोज टू अश्विनी मैम. उनकी ये लाइफ का बहुत ही निजी एक एक्सपीरियंस है, मगर मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा कि एक बच्चे के साथ. और आजकल के बच्चे बहुत डिफरेंट हैं. अश्विनी मैम मेल्स भेजती हैं उनको व्हाट्सएप पे, उनके पूरे स्कूल के फंक्शन प्लान करती है, उनके कॉस्ट्यूम्स, उनके स्कूल जो भी होते हैं, और उनके ग्रुप्स हैं उनके साथ में. बच्चे इतना कल बता रहे थे कि उनको अमेज़ॉन पे शॉपिंग करते अपनी गेम्स की. ये सब हम लोगों का बचपन ऐसा नहीं था. और आजकल के बच्चे इतने, मतलब 8 साल की उम्र में वो एक कंप्लीट ह्यूमन बन गए होते हैं ना. उनकी जो डेवलपमेंट है पूरी मेंटल इमोशनल, एक अलग एक्सपीरियंस था. जब मैंने इनके फैमिली को देखा, आई वॉज टेकन अ बैक. बट दैट वर्ल्ड इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल फॉर मी टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड टू नो अबाउट. हेलो, दिस नीना गुप्ता. आप काफ़ी समय से बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं, तो अब जाकर आपको बहुत अच्छे रोल मिल रहे हैं, तो क्या कहेंगी आप इसके बारे में? भगवान को पहले, सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगी कि मेरा टाइम आ गया है, देर से आ गया है ना. फिर मैं सोचूं, किसी ने मेरे को लिख के दिया था, मैं जो सोच रही थी मैं डालूंगी इंस्टाग्राम में. मैं आजकल बहुत इंस्टाग्राम की वो हो गई हूँ, नशा आ गया है कि मेरा टाइम आ गया है. फिर मैं सोचूं मेरा टाइम मुझे छोड़ के गया ही कब था. मैं ही लंबी छुट्टी पे थी, काम पे ध्यान दिया ही कब था. पंगा है. सो इट्स वेरी नाइस जो मुझे अभी काम मिल रहा है, बहुत खुश हूँ. कंगना जी, आपसे पूछना है, इस
फिल्म का टैगलाइन, जो सपने देखते हैं वो पंगा लेते हैं, इसके बारे में आप कुछ विस्तार से बताएं। ये तो मेरी जिंदगी की फिलॉसफी है। देखिए, आपको मुझे लगता है आपको कुछ भी जिंदगी में जो बहुमूल्य है वो आपको ऐसे खाली पीली में नहीं मिलता है, क्योंकि वो किसी और के पोजेशन में होता है, राइट। हर एक वैल्यूएबल चीज़ सबको चाहिए होती है, चाहे वो कोई पोजीशन हो या चाहे कुछ भी हो वो दुनिया में। तो आई थिंक हर चीज़ के लिए आपको फाइट करना पड़ता है, बट आई ऑल्सो फील दैट यू शुड चूज़ योर बैटल्स, शुड नॉट बी अ पेटी फाइटर, सम थिंग्स यू शुड लेट गो, एंड यू शुड हैव ओनली 2 to 3 गोल्स इन योर लाइफ, कि दिस आई वॉन्ट टू डू, एंड यू नो, सो आई थिंक एज लॉन्ग एज यू नो कि दिस फाइट इज़ वर्थ इट। जैसे मैं मेरे गुरु का कल मैं कोई वीडियो देख रही थी सदगुरु जी का, और वो वैसे बात कर रहे थे कि यू नो, आप जब अपने डेथ बेड पे हो तो जो भी आपने अपनी फाइट की हो लाइफ में, विल इट बी रेलेवेंट, हमेशा ये सोचें। मतलब कई लोग तो ऐसे हैं जो उनको 18 साल में उनके जो ड्रीम थे, जो वो फाइट कर रहे थे, आज वो खुश नसीब हैं कि वो पूरा नहीं हुआ। एंड दैट इज़ ऑल्सो ट्रू कि सो मैनी टाइम्स वी हैव थिंग्स इन लाइफ जो वी लुक बैक लाइक थैंक गॉड वो नहीं हुआ, यू नो। सो नहीं तो यू वुड हैव बीन लाइक ऑल द लव स्टोरीज आई वॉन्टेड टू हैपन, यू नो, द पीपल आई वॉन्टेड टू मैरी, मतलब बच गए। तो द फाइट शुड बी वर्थ इट, वो पंगा नहीं लेना है फिर, उसको छोड़ दो, अगर वो छूट गया तो छोड़ दो, आगे बढ़ो, यू नो। सो आई फील अ फाइट शुड बी वर्थ इट, एंड इट शुड ऑल्सो हैव, यू शुड ऑल्सो विदस्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, थोड़ा सा आई थिंक वन शुड हैव दैट क्लैरिटी। अश्विनी जी, मेरा सवाल आपसे है, जहाँ तक members, I'm so sorry for interrupting. Last two questions, please continue. जहाँ तक देसी जड़ों का सवाल है, तो हमारे देश में आज मल्टीप्लेक्स में भी इस तरह की फिल्में अच्छी लगती हैं, लोगों को कामयाब हो रही हैं। लेकिन जहाँ तक खेलों का सवाल है, देसी खेल, हॉकी के ऊपर इतनी फिल्में बनी, लेकिन अब तक हॉकी को वो स्थान नहीं मिला जो क्रिकेट को मिला है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो आपकी फिल्म है वो कबड्डी को एक अच्छा मुकाम दिलाएगी? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन मैम। हमने कबड्डी इसके लिए चुना क्योंकि हमको ऐसा लगा कि वुमेन्स कबड्डी हम सब ने एक टाइम पे तो खेला है, हम सब ने मेंस कबड्डी वुमेन्स कबड्डी तो खेला ही खेला है, पर हमारी जनरेशन को ये गेम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हमारी जनरेशन को ये पता है कि फुटबॉल क्या होता है, क्रिकेट क्या होता है, वॉलीबॉल क्या होता है, बास्केटबॉल क्या होता है, पर उनको अगर कबड्डी बोलेंगे तो उनको पता ही नहीं, हॉकी भी उनको पता नहीं था। तो मुझे ये फिल्म इसके लिए भी बनानी थी क्योंकि मुझे यंगर जनरेशन को बोलना था कि दिस इज़ आर ओल्डेस्ट गेम इन द कंट्री एंड दिस नीड्स टू बी सीन। अभी इसका क्या फ़ायदा होगा, हमने जिस तरह से लिखी है ये कोई रियल लाइफ पे बेस्ड नहीं है, ये कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं है जैसे स्पोर्ट्स फिल्में होती हैं। हमने बहुत सारे चीज़ें ऐसी लिखी है फिल्म में जहाँ पर हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि ऑलमोस्ट लाइक हमने एक प्लानिंग दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और अगर वो हर स्कूल में हर, जैसे जिमनास्टिक्स अभी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, वैसे अगर हर हमारा जो गेम्स है वो बड़ा हो जाए, एटलीस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल लेवल, तो अच्छा होगा। नीना जी, मेरा सवाल एक आपसे है, आपने अपनी ज़िंदगी, उसके जो मायने, उनकी जो चीज़ें हैं वो खुद तय की हैं, और फाइनेंशियली हो या कुछ भी हो, आप हमेशा इंडिपेंडेंट रही हैं, लेकिन इस फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है और ख़ासतौर पर अपनी बेटी के प्रति, क्या वो उस सकारात्मक, जो सकारात्मक सोच है उसको आगे ले जाता है, या फिर वो थोड़ी सी दकियानूसी है कि शादी हो गई है तो उसको घर पे रहना चाहिए, लड्डू बनाने चाहिए? नॉल नहीं, मैं भी लड्डू बनाती हूँ, पर मैं मॉडर्न भी कहलाती हूँ। सो आई थिंक जो कैरेक्टर ये है, जो कैरेक्टर इस फिल्म में मेरा है, वो उससे सब माएँ आइडेंटिफाई करेंगी। जैसे जब मैंने देखा है जो बाहर हिंदुस्तान से बाहर जो लड़कियों की शादी होती है, तो जब बच्चा होता है तो माँ को बुलाती हैं, वो बेचारी माएँ 4-4, 6-6 महीने रहती हैं, ना उनको इंग्लिश आती है, ना उनको ड्राइविंग आती है, बस वो नौकरानी जैसे घर में काम करती रहती हैं, कुछ कभी बाहर ले गई बेटी तो गई या दामाद। सो और वो हमेशा कहती है अब तेरा अगला होगा तो मैं नहीं आऊँगी, हमेशा कहती है, पर अगला होता है तो फिर जाती हैं। सो माई कैरेक्टर इज़ द सेम लाइक All of us women, whether आज मैं माँ हूँ या मेरे से यंगर माँ है या जो कंगना ने प्ले किया है, वो भी कल को अपने बच्चे के साथ वैसी ही होगी। सो इट इज़ अ वेरी यूनिवर्सल मदर, मतलब मदर इंडिया है। मुझे सिर्फ ऐड करना है इसमें कि हम ऐसे
मुकाम पे पहुंचे हैं जहाँ पे वी आर अ प्रोग्रेसिव कंट्री, क्योंकि द न्यू एज इंडिया इज़ अ मिडिल क्लास इंडिया, जहाँ पे उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है. पर हम प्रोग्रेशन और रिग्रेशन के बीच में हैं, जहाँ पे हम थोड़े कन्फ्यूज्ड हैं अभी कि हमको प्रोग्रेस करना है, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे हम थोड़े से रिग्रेसिव हो जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि पेट्रियाकल सोसाइटी है, थोड़े से नॉर्म्स है, थोड़े से सोशल सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा होगा थोड़े चीज़ों पे. सो दैट्स द डिफरेंस. हाई कंगना, माई क्वेश्चन इज फ्रॉम फॉर यू इज दैट यू नो बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि आपका जो स्टेटमेंट होता है उसको मिस इंटरप्रिटेट किया जाता है. इस बार सैफ अली खान का जो स्टेटमेंट है आपको ऐसा लगता है उसे भी मिस इंटरप्रिटेट किया गया? हाँ, मैं हेडलाइन पढ़ रही हूँ, लैश्ड आउट, आई पता नहीं और क्या खरी खोटी सुना दी. सो आई डोंट थिंक यू नो लाइक आई सेड, अगर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया तो मैंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा. तो ऐसा कुछ खरी खोटी सुनाया ये सब आई थिंक कुछ सेंसेशनल बहुत ज़्यादा हो जाते मीडिया, बट कहीं ना कहीं हमारे देश के जो रीडर्स हैं उनका टेस्ट भी कुछ ऐसा ही है, फिर क्या करें. सो दैट गोज, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीडिया का ही, उस पर क्लिक्स इतने आते हैं, इतने पॉपुलर हो जाते हैं, अगर कंगना लैश्ड आउट तो वो पूरा जो साइकोटिक बिहेवियर है वो सब यू नो सब पूरा जस्टिफाई हो जाता है. तो वो है, बाकी आई जस्ट फील दैट अगर आप मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं और आप ये अपेक्षा रखते हैं कि जवाब ना दे तो बेटर है, तो वैसा तो फिर आप मुझसे पूछिए ही मत, क्योंकि जैसे मुझे कहा, मैंने कहा जाना इधर देखना उधर बोलना कुछ करना कुछ, आई एम नॉट दैट पर्सन. यू नो आपने पूछा तो मैं बताऊँगी. थैंक यू सो मच मेंबर्स ऑफ द मीडिया फॉर रीचा. यू नो काफ़ी बार ऐसा भी कहा गया है कि कंगना की को स्टार्स के साथ नहीं जमती है. अब जब आपने कंगना के साथ काम कर लिया है, इस स्टेटमेंट को किस तरीके से देखती हैं? आई थिंक ये एक वो होता है इंडस्ट्री का पुराना, ये मतलब गौरवशाली परंपरा है कि जब दो एक्ट्रेसेस साथ में काम करती हैं तो कैट फाइट, इसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफ़ेद कैसे, ऐसी न्यूज़ आइटम्स आती हैं. पर मैं ये भी कहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि आपके हर प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छे दोस्त बने, बट यू आर ऑलवेज सिविल इनफ, कॉर्डियल इनफ टू वर्क विद पीपल एंड मूव ऑन एंड हैव अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस. तो मैं यही कहना चाहूँगी. कंगना, थैंक यू सो मच मेंबर्स ऑफ द कंगना, आपने हर उस पॉलिटिकल या सोशल इशू पे बात रखी है बेबाक ढंग से, जो एक आम आदमी से सरोकार रखती है. आपने जेएनयू पे बात की, सीए पे बात की, हाल ही में निर्भया, फिर भी मेरा स्टूडियो कहता है मीडिया से बात करो. मैंने कहा सारी तो मैंने बात कर ली. और क्या मतलब, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसका मैंने आंसर नहीं दिया हुआ है. हाल ही में निर्भया पे जो अच्छा ये रह गया था. अच्छा ओके बताइए. जो वर्डिक्ट आया उस पर आप क्या कहना चाहती हैं, और ये क्या आपको लगता है कि इस तरीके से जो कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आ रहे हैं उससे रेप कम होंगे या फिर जो आम मानसिकता है लोगों की विमेन के प्रति वो कम होगी? उनको हैंग करने का दोस्त जो भी, एक तो वो माइनर था, उसको माइनर कहते हैं जो रेप करता है, जो 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 कि रेप करने के काबिल है, वो कौन से उससे माइनर बनता है? वो कौन से कौन सा स्टैंडर्ड इन लोगों ने बनाया हुआ है जो उसको माइनर बता रहे हैं? जो बंदा रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, रेप कर पा रहा है और इस तरह की हरकतें कर पा रहा है, तो सबसे पहले वो माइनर है ही नहीं. ऊपर से ऐसे ऐसे लोगों को चौराहे पे मारना चाहिए, उनको वहाँ पे हैंग करना चाहिए ताकि सबको पता चले कि क्या होता है रेप और क्या उसकी सज़ा होती है. और ये कोई इतने सालों बाद इतने सालों बाद वो माँ भी इतनी सफ़र कर रही हैं, उनके पिताजी इतने सफ़र कर रहे हैं, पूरी फैमिली की क्या हालत होगी, उनका अभी क्या बचा होगा इतने सालों में उनका संघर्ष कर करके, कहाँ जाएंगे वो गरीब लोग, पैसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कहाँ कहाँ जाएंगे वो, मतलब ये कैसा समाज है? तो मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों को ऐसे चुपचाप मार देना चाहिए. तो ऐसे मारने का क्या फ़ायदा जब आप एग्जाम्पल ही सेट ना कर पाए? उन लोगों को चौराहे पे हैंग करना चाहिए, चौराहे पे मारना चाहिए सबके सामने. Members of the media, thank you so much for the questions. We are now going to request the star cast for the photo opportunity. Let's see the film now. We are all very anxious. हमारा आज शो है और आप लोग भी शायद कल फिल्म देख रहे हैं. Yes.
Kangana, at the same time, there are certain, I mean, there is a lady in the country who is saying that just like Priyanka Gandhi, even Nirbhaya's mother should forgive. Us lady ko un ladkon ke saath 4 din jail mein rakho. Unko rakhna chahiye. Usko zarurat hai. कैसी ऐसी औरतें होती हैं जिनको बड़ी दया आती है और ऐसी ही औरतों की कोख से ऐसे निकलते हैं दैशी दरिंदे ये भी किसी के कोख से ही निकले हैं उन्हीं की कोख ऐसी होती है जो ऐसा सोचती है जिनको सिंपैथी आती है प्यार आता है इन पे दैशियों पे खूनियों पे मेंबर्स ऑफ द मीडिया थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस वी आर नाउ रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू जॉइन अस फॉर द फोटो सेशन फैमिली फोटो इसी की और कुछ अरे ये लो है और गेस्ट भी है वो मालूम नहीं भाई कौन आएगा बोला है क्या कास्टम प्रूफ का स्क्रीन और यहाँ मिलेगा गाड़ी बाप ये अभी थोड़ी जाएंगे भाई चलो हो गया भाई निकालो निकालो निकल निकल पैकअप पैकअप